Hello students, good morning. Welcome to the English grammar class. Today we are going to study chapter 1st, compound words. So in this chapter we study compound words. So aap janenge ki compound words kya hote hain. Compound words is formed by joining two words together. To compound word kaise bante hain? जब टू वर्ड्स को जॉइन किया जाता है यानी एक साथ जोड़ा जाता है यानी दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ जोड़कर जब सही मीनिंग निकलता है तो वो हो जाता है हमारा कंपाउंड वर्ड्स. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आई प्लस ब्रो, तो यहाँ टू स्पेलिंग्स को अलग अलग वर्ड्स को ऐड करके हमारा क्या बना पूरा कंपाउंड वर्ड आई ब्रो. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है सन प्लस फ्लावर, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा सन फ्लावर. आई प्लस लिट आई लिट, फ्लावर प्लस पॉट फ्लावर पॉट. इन दिस वे द न्यू वर्ड, तो इस तरीके से जो न्यू वर्ड फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्ड यानी जब दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड्स बनता है इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड्स. तो ये डेफिनेशन आप याद करेंगे यहाँ से, द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड्स. जब दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स. Some important compound word of your textbooks are as following. तो आपके जो भी चैप्टर आए हैं इन दिस बुक में, तो आपके जितने भी जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर लिए गए हैं. जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ दिया है वर्ड सम डे, तो ये किससे बना है सम और डे, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड बना है सम डे. नेक्स्ट है हाउस होल्ड सम थिंग मैजिकल लैम्प. अब देखिए मैजिकल लैम्प में एल जो है वो सेम है इसलिए एक ही वाले का है मैजिकल लैम्प. मदर लैंड फायर क्रैकर्स, फायर और फ्लाई को ऐड करके बना है ये. अनकॉन्शियस, इसमें यू एन ऐड किया गया है, यू एन प्लस कॉन्शियस, तो ये हो गया अनकॉन्शियस. शो और रूम, शो रूम. अवर और सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स. नोट एंड बुक, नोट बुक. एवरी एंड वन, एवरी वन. न नॉट और थिंग, दोनों को ऐड किया है तो ये बन गया नथिंग, यानी जब लास्ट का लेटर सेम आए तो वो एक ही बार लिखना है, डबल बार नहीं करना है उसको. नॉट और थिंग, तो नथिंग. अनजस्ट, अनजस्ट. ऐसे ही आपका प्रेयर असेंबली, ऐसे ही काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए हैं, आप इसको रीड करें और समझें. यहाँ आपको कुछ एक्सरसाइज दी हैं करने के लिए, जैसे मैच ए विथ बी टू फॉर्म मीनिंग फुल कंपाउंड वर्ड्स, यानी आपको वर्ड्स तो मिलाने हैं लेकिन कैसे होने चाहिए वो मीनिंगफुल. तो यहाँ देखिए ओवर, ठीक है देख, अब इसको मैच करके देखिए, अगर हम ओवर बॉक्स लिख दें तो ये एक सही मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है. आपके फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था वी शैल ओवरकम, तो ओवर किससे मिलेगा ओवरकम यानी कामयाब, ठीक है. ओवरकम एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कामयाब, तो ओवर किससे मिलेगा कम से, तो ये बन जाएगा ओवरकम. ऐसे ही देखिए डस्ट, डस्ट किससे मिलेगा डस्ट बॉक्स, डस्ट रे, डस्ट वेट. यहाँ पर ये जो है इसके नीचे की दी है इसलिए ये जो डस्ट है वो किससे मिलेगा डस्टबिन. आप इन इस वाले बॉक्स को यहाँ नीचे लिखें इसके अपने नोटबुक में फेयर में इस टाइप से, जैसे एक रो में
तब आप इसको ठीक से बना पाएंगे। जैसे डस्ट किससे मिल रहा है यहाँ पे, बिन से, डस्टबिन। मदर, मदर किससे मिलेगा, लैंड, मदरलैंड। तो इसी टाइप से आप इनको मैच करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, राइट द वर्ड फ्रॉम विच दीज कंपाउंड वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, तो इनको आपको वर्ड्स में फॉर्म करना है। जैसे कि ये किससे मिलकर बना है, प्ले एंड ग्राउंड से, तो प्ले यहाँ पर और ग्राउंड, यानी दोनों को डिवाइड करना है कंपाउंड वर्ड में। जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो हमें बताने हैं। और ये नेक्स्ट देखिए, बेड और शीट, वॉट एवर, नोट बुक, फायरफ्लाई, बटन होल, क्लास रूम। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर हमें प्लस के इस साइड और उस साइड पर लिखने हैं। उसके बाद थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से सही। अब जैसे डस्ट है, तो डस्ट के साथ क्या आएगा, बिन, तो डस्ट बिन। क्लास के साथ रूम, तो क्लास रूम। तो ये लास्ट वाला वर्ड देखें, कॉब, कॉब वेब, तो कॉब वेब बन जाएगा एक वर्ड, न्यू कंपाउंड वर्ड। तो इस तरीके से आप जो एक्सरसाइज 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी बहुत से आपके यहाँ 3 एक्सरसाइज दिए हैं, इनको आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करना है, इसको बुक में नहीं करना है आपको।